हर हर गंगे हर हर महादेव। गाइस अभी है सुबह का टाइम, तो अभी हम नहा लिए हैं और नहाने के बाद में प्रसाद चढ़ानी थी मैं यहाँ पर गंगा मैया को। और जैसे बहुत सारी लेडीज़ हो जाती हैं, हम चाची ताई दादी मम्मी जी वगैरह सभी, तो कुछ पहले नहा लेते हैं और कुछ बाद में नहाते हैं, बारी बारी से नहाते हैं। तो हम पहले नहा लिए थे और इनका वेट कर रहे थे, अभी मम्मी जी वगैरह नहा रही हैं। और यहाँ पर देखो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर शाम को रोज़ प्रोग्राम होता है गंगा घाट पर, गंगा उत्सव होता है। और गाइस यहाँ पर पैर छू रही हूँ मैं, क्योंकि नहाने के बाद सभी के पैर छूए जाते हैं सुबह को। और हम सुबह ही नहाते हैं, दिन में नहीं नहाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह नहाना। जा रही है सभी विद्यालय से अनुरोध है, कृपया अपना सामान। गाइज आप भी गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए और हर हर गंगे हर हर महादेव। तो अभी सुबह का टाइम है और सब नहा लिए थे, और नहाने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर। और ये है हवन कुंड जहाँ पर गंगा आरती के टाइम हवन हुआ था, गंगा पूजन हुआ था तब हवन हुआ था। और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, तो हम जा रहे हैं अपने टेंट हाउस की तरफ। और रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता है, तो वहाँ पर हम हर रोज़ माथा टेक कर जाते हैं सभी। और अभी सूरज निकलने का टाइम हो गया था, लेकिन अचानक से ही बहुत कोहरा हो गया था और ठंड भी काफ़ी हो गई थी। और जब हम आए थे नहाने के लिए तो तब इतनी ठंड नहीं थी, हमें नहाने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। और गाइस यहाँ पर देखो मैंने 2 बैलून ले लिए थे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो मुझे हैप्पी बर्थडे वाले बैलून मिल गए थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से बैलून ले लेते हैं। और अभी हम पहुँच गए अपने टेंट हाउस में, और ये भी सो रहे हैं और बच्चे भी सो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इनको बैलून दे रही थी, और बैलून भी हमें बर्थडे वाला ही मिल गया था, उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ले तो हम बैलून बच्चों के लिए रहे थे, लेकिन वहाँ पर देखा उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इनका भी काम हो जाएगा, बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा। और जैसे नहाने के बाद हम बास्केट में अपने कपड़े ले आते हैं, तो हमारा टेंट हाउस के पास ही नल है। इतना कोहरा है, बहुत कोहरा है बेटा, ठंड बहुत हो रही है। हर हर गंगे हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। गाइस अभी हैं हम गंगा जी, और गंगा जी पर हमारा टूर है 7 दिन का। इस बार कुछ ज़्यादा है, वैसे 5 से 6 दिन तो हो जाता था, क्योंकि जैसे कि तीर्थ घटती बढ़ती रहती हैं, तो वो ही आपकी बार तीर्थ बढ़ी हुई है और एक दिन बढ़ा हुआ है। तो मेरे ससुराल वालों की आ गई है मौज, क्योंकि उनके लिए तो जितने दिन बढ़ जाए उतने ही कम है गंगा जी पर। मतलब इतना सो के कि मैं मतलब शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, तो हम नहा कर आ गए थे। हम सब सुबह जाते हैं, लेडीज और जेंट्स भी जाते हैं, लेकिन पहले लेडीज जाती हैं, फर्स्ट लेडीज, और अभी जेंट्स गए हैं। तो जेंट्स में सब गए हैं, तो मम्मी जी बच्चों को लेकर गई हैं उनके साथ, सारों के पापा जी भी आज ही यहीं पर थे। और अभी हम नहा कर आ गए थे, तो आने के बाद हमने चाय वाय भी पी ली है। और हमारे मतलब कि टेंट है, तंबू बोलते हैं, डेरा बोलते हैं वैसे नॉर्मल भाषा में हम, तो डेरे में सब सामान हमारा, क्योंकि रात को जब बिस्तर वगैरह लगाते हैं तो इधर उधर हो जाता है, तो सब सुबह को हमने सेट कर दिया है। इधर बिस्तर लगाते हैं हम, और इधर बैग वगैरह है, ये सब है, और उधर है किचन का सामान सारा, उधर हमने किचन का सामान लगाते हैं। पिकनिक जो है इस पर मतलब बता नहीं सकते कितना एंजॉय करते हैं हम, क्योंकि जब किसी और पिकनिक पर जाते हैं, होटल वगैरह में स्टे करते हैं, सारा कुछ वहीं पर मिलता है, लेकिन इस पिकनिक पर सब कुछ अपने घर से ही अरेंज करके लेके जाना पड़ता है। तो इस बात में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे कहीं जाते हैं तो बस अपना कपड़े ले जाओ छुट्टी, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ अपना लेकर जाना होता है। और गाइस एंजॉय भी बहुत ही ज़्यादा करते हैं, मुझे लगता है बच्चों को भी अब इतना ही शौक हो गया है गंगा जी आने का। तो गाइस अभी जब सब नहा कर आएंगे तो बनेगी काली खिचड़ी, क्योंकि सुबह चाय के बाद में बनती है काली खिचड़ी। गंगा जी का फेमस खाना है काली खिचड़ी, और हमारे यहाँ सुबह को मॉर्निंग में गंगा जी पर काली खिचड़ी ही बनती है और शाम को खाना बनता है। और गाइस ये तिगरी जो है जहाँ पर ये मेला लगता है, और गंगा जी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं कि श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को लेकर आए थे यहाँ पर और रुके थे वो।
पाँच दिन रुके थे, एकादशी पर आए थे और पूर्णिमा पर गए थे, तो तभी से ये मेला लगता है। जब श्रवण कुमार आए थे तो उन्हें देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आ गए थे, मतलब कि ऐसी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी बहुत सारी, तो तभी से ये मेला लगता है। और गंगा जी में नहाते हैं, यहीं पर रुकते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं सुबह से इवनिंग तक का रूटीन शेयर करने का सोच रही हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे दोपहर तक का ही शेयर कर पाऊँगी और शाम का मैं अलग से वीडियो पार्ट करके डाल दूँगी। और गाइस वीडियो लास्ट तक देखना और अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो गाइस मेरे ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहना। गाइज ये है काली खिचड़ी जो कि गंगा जी का प्रसिद्ध खाना है और हमारे यहाँ डेली बनती है। और चटनी, चटनी धनिया चटनी, और ये है मलाई। चलो उठ जाओ खा लो खाना, कीर्तन भी खाएंगे। अभी यहाँ पर सुबह का खाना चल रहा है और खाने में सुबह को काली खिचड़ी ही बनती है गंगा जी पर। और कृतिन खुद से खा रहे थे लेकिन मम्मी जी को साथ में बैठा लेते हैं। और गाइस अभी पापा जी भी आ गए थे गांव से, और ये है दूध और मट्ठा, गांव से आया था। और उसके साथ में चाचा जी लेकर आए थे समोसे पेस्ट्री वगैरह, और ये सब होता रहता है रोज़, पार्टी वार्टी ये चलती ही रहती हैं गंगा जी पर, क्योंकि ये सब फ्री होते हैं इन सब चीज़ों के लिए और थोड़ा काम से भी हट जाते हैं। तो गाइस ये सब चल रहा था और ये पेस्ट्री खिला रहे थे, 1 किलो पेस्ट्री खा लो। और यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और गाइस हमारा दूध डेली गांव से आता रहता है क्योंकि गांव हमारा ज़्यादा दूर नहीं है गंगा जी के। और इसमें था मट्ठा तो मुझे मट्ठा भी पलटना था। और पापा जी बच्चों को लेकर गए थे मेला, और मेले से आ गए थे बच्चे और लेके आए थे यहाँ पर टॉय, तो ये सब दिखा रहे थे जिज्ञा कीर्तन। और मेले में काफ़ी भीड़ थी, और लास्ट वाले दिन तो पापा जी पैदल लेकर गए थे क्योंकि बाइक से जाया नहीं जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो जिज्ञा लेकर आई है डॉक्टर सेट, तो उसी को दिखा रही थी, कई सारे सामान लेकर आए बच्चे। तो ऐसी भूख को लेकर जाना, वो तो पैदल जाएंगे फिर, तो पैदल किस, हाँ हाँ बाइक में फिर जगह रहेगी, फिर जगह रहेगा भैया, यहीं रहेगा ना। सोच समझ के बोलती है वो, भैया को यहीं छोड़ के जाएगी। क्या क्या लेके आए अब दिखाओ। ये डॉक्टर सेट और ये पैड लाए भी, और ये भैया काल लाया है, मैं ये किचन सेट लाई हूं। ये डॉक्टर सेट दिखा, अरे पहले खोलो बेटा, दिखा ले तो किसका है वो, भैया जो भैया का हो तो भैया खोलेगा। देखिए आपके पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है, तो अभी मैं आपको दवाई देती हूँ, आधी घंटे तक आपको खाना नहीं खाना है, उसके बाद आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लो आधा घंटा, अरे ये नहीं, ये आधा घंटा तक वो लिख रहा, वो लिख रहा दवाई कौन सी देनी, उसका तो पाउडर है। क्या है, मुझे बुखार है, क्या है, डेंगू तो नहीं है, है? तो आपको जरूरत है, मैं आपको दवाई बता रही हूँ, आपको मेडिसिन लिया। अच्छा बताओ क्या क्या है। एक तो आप ले आना सिरप, सिरप का नाम बताओ, और आपको एक मेडिसिन चाहिए। अभी रात हो गई थी, और रात को खाना उना सबको खिलाने के बाद अभी आए थे हम गंगा उत्सव देखने, क्योंकि यहाँ पर रोज़ प्रोग्राम होता है गंगा घाट पर, गंगा उत्सव के लिए स्टेज बनी हुई है। और यहाँ पर आज आप भी देख लीजिए कि कितना अच्छा गंगा उत्सव होता है इस बार, और ये मैंने पहली बार देख रही हूँ इतना अच्छा गंगा उत्सव होते हुए। और यहाँ का डेकोरेशन देख लीजिए आप कितनी अच्छी है, और भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा थी। तेरी बड़ी कृपा है भक्तों पर, मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। Oh,
जैसे कि गंगा मेला होता है तो हम कभी भी मेला देखने नहीं जाते हैं, लेकिन गंगा उत्सव देखने हम डेली आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और गाइज अभी शाम को जब हम अपने टेंट हाउस जा रहे थे गंगा उत्सव देखने के बाद, यहाँ पर हमें बैलून बहुत अच्छे लगे, ये लाइट वाले, तो ये हमने ले लिए थे। यहाँ पर मैं बैलून ले रही हूँ और उसके बाद चलते हैं टेंट हाउस। और गाइज ब्लॉग का कर देते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।